दुर्ग से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गांधी चौक में सैकड़ों की संख्या में जमा हुए कांग्रेसी। बड़ी खबर दुर्ग से आपको बता रहे, जहां पर गांधी चौक में सैकड़ों की संख्या में कांग्रेसी जमा हुए हैं। देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। प्रदर्शन से पहले कुम्हारी पर चौक में पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले को रोका गया है। बीजेपी सरकार पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का आरोप है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। तो बड़ी खबर दुर्ग से आपको बता रहे, जहां पर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेसी जमा हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। और प्रदर्शन से पहले कुम्हारी चौक पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले को रोका गया। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। प्रदर्शन स्थल पर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मौजूद हैं। चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी से। जी सुबोध जी, बताएं कि प्रदर्शन से पहले कुम्हारी चौक पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल के काफिले को रोका जाता है, वो सरकार पर आरोप लगा रहे कि विपक्ष के नेताओं को सरकार टारगेट करे, और प्रदर्शन स्थल पर बड़ी संख्या पे कांग्रेसी मौजूद है, इसको लेकर क्या कुछ पूरी अपडेट? जिसके तहत दुर्ग जिला मुख्यालय का जवाब करने पूर्व सीएम भूपेश बघेल स्वयं आने वाले थे, और इस दौरान जब वो घर से निकलते हैं अपने निवास बराई से, तो कुमारी चौक पर कुछ हिंदूवादी संगठन के द्वारा उनकी गाड़ी को रोका जाता है। चक्का जाम उनको बताया जाता है कि वहाँ चक्का जाम चल रहा है, और उनकी गाड़ी को कुछ लोगों के द्वारा चारों ओर से घेर लिया जाता है, इस पर भूपेश बघेल काफी नाराज होते हैं और तुरंत वहाँ स्थानीय पुलिस द्वारा मौजूद रहती है। उनसे शिकायत करते हैं कि ये कैसा चक्का जाम, जब पता है कि धर्म प्रदर्शन और इस रास्ते से काफी लगाने वाला है, तो इस तरह से अचानक से चक्का जाम कैसे हो गया? कहीं ना कहीं इसमें मौजूदा जो सत्तासीन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विपक्ष की, यानी कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं को टारगेट करके किसी भी तरह के प्रदर्शन धरना घेराव को रोकने की कोशिश कर रही है। एक साजिश के तहत इस तरह का बड़ा आरोप पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने मौजूदा सत्तासीन पार्टी पर लगाया। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ी खबर दुर्ग से आपको बताते, जहां देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, वहीं प्रदर्शन से पहले कुम्हारी चौक पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का काफिला रोका गया। चलिए आपको सुनाते हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा। 50-60 लड़के चौक पे थे, ईसा गेट चौक पे, अचानक वो सड़क पे आए, मेरा मार्ग रोके, गाड़ी रोकने के बाद वो नारेबाजी भी कर रहे थे, और मेरे जो सुरक्षा की जो तैनात सरकार ने जो दिया है उन कर्मचारी अधिकारियों साथ धक्का मुक्की कर रहे थे, और बदतमीजी भी कर रहे थे, और पीछे वाले गाड़ी को तो रोक दिए। तो इस प्रकार से शासन जो उसमें भारी सेंध, और यही सत्ता पक्ष के लोग बजरंग दल अपने आप को बता रहे थे, उनके द्वारा कल शायद भिलाई में कोई घटना थी, और वो कह रहे थे आतंकी हमला हुआ है। तो आतंकी हमला हुआ तो शासन प्रशासन से बोलो भाई,